दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतेश। दोस्तों हम देख रहे हैं पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्रायड ने 1927 में दिया था। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल मुझे आते हैं, लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा क्लासरूम की तरफ। देखो पर्सनैलिटी का एक वीडियो बना चुका हूं मैं, दूसरा अपन इसको पूरा करेंगे। देखो व्यक्तित्व, भाई थोड़ी बहुत आवाज आ रही है बाहर से, आज काम वाम चल रहा है तो थोड़ी झेल लेना आप लोग, है ना। अच्छा पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है ना, ये अपन को पता है, अपन देख चुके हैं। अब इसका अपन जो सिद्धांत देखेंगे वो देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना। सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक, है ना, साइकोमेट्रिक थ्योरी। क्या है? साइकोमेट्रिक थ्योरी। मनोविश्लेषणवादी कौन थे, है ना, ये अपने को सबको पता है, कोई चीज किसी से छुपी है नहीं क्योंकि अपन सब पढ़ते आए। सिगमंड फ्रायड कौन थे? सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे जो मनोविश्लेषणवादी थे, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इन्होंने ये जो सिद्धांत है ये इन्होंने 1927 में अपने को दिया था। कब दिया था? 1927 में। और सिगमंड फ्रायड एक कौन थे? यहूदी। ये तीनों तथ्य आप याद रख लेना, कारण क्या है कि कई बार बिल्कुल छोटे और सरल सवाल पूछ लेता है। तो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी थे, इन्होंने 1927 में यह सिद्धांत दिया था और ये मूल रूप से एक यहूदी थे, है ना। कौन थे? यहूदी थे, ठीक। अब ये क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व का जो निर्माण है यानी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या पर्सनैलिटी जो बनती है वो तीन चीजों से बनती है। ये कहते हैं कि पहली तो वो है वो इड, है ना, है ना, दूसरी है ईगो, तीसरी है सुपर ईगो, है ना। ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी तीन चीजों से बनती है, इड से बनती है, ईगो से बनती है, सुपर ईगो से बनती है। अब ये इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण से। मान लो आपको बाजार जाना है, आप बाजार चले गए, वहां किसी दुकान पे आपको कोई खाने की चीज दिखी बहुत बढ़िया। अब अगर आप में इड है, अगर आपकी पर्सनैलिटी इड है ना, तो आपका मन क्या करेगा, ये दुकान किसी की भी हो भाई, देखो, है ना, कैसी भी हो, किसी की भी हो दुकान, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, इस पर्सनैलिटी को वो तो उठाएगा, छीनेगा और खाएगा और भाग जाएगा। ये हुआ इड, यानी कि उसको बिल्कुल वो निरा पशु के समान है, उसको केवल अपने काम से मतलब है, किसी का काम बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा है उसके, उससे उसको कोई मतलब नहीं। एक तो होती है ये पर्सनैलिटी जिसको अपन कहते हैं इड। दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो है ईगो। यहाँ थोड़ा सा ईगो आ जाता है, फिर ये क्या कहेगा, अरे यार तेरे को ये चीज़ खानी है तो खा लेना, पर अगर भैया किसी ने पकड़ लिया तो पीट पार देगा, क्या फ़ायदा, तो एक काम कर, इसको कहीं इधर उधर होने दे, फिर चुपचाप चोरी छिपे इसको ले लेना और भाग जाना, खा लेना। यानी कि है तो ये भी इसके जैसा ही, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ को सोचता है, थोड़ी बहुत सोचता है ना, गलत काम को प्रोत्साहन दे रहा है ईगो, लेकिन इड से थोड़ा सा कम। फिर सुपर ईगो कहेगा, अरे नहीं यार नहीं, किसी से बिना मांगे चीज़ लेना, उसकी चीज़ को छूना पाप है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, सदा सच बोलो, नैतिक आदर्शों में रहो, आदर्शवादी बनो, नैतिकता का पालन करो। ये कौन कहेगा? सुपर ईगो। तो अब आप भी अपने आप को एनालिटिक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है, इड है, ईगो है या सुपर ईगो है, है ना, ठीक है ना। इड मतलब अपना काम बनना चाहिए, कुछ भी हो, है ना, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वो है इड। लेकिन ईगो, भैया अपना काम बनता है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, ये है। सुपर ईगो, अरे नहीं किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना काम बने या ना बने, ये हो गया सुपर ईगो। तो तीनों चीजें हो गई, तीनों पर्सनैलिटी हो गई, आप अपने आप को भी तोल सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अब इड कहाँ रहता है? भाई फ्रायड कहते हैं कि ये अचेतन मन की अवस्था है, यानी कि जब मन चेतन अवस्था में ही नहीं है तो वो पार्श्विक प्रवृत्ति वाले काम ही करेगा, ठीक है ना, इसलिए इड को बताया गया है अचेतन मन की अवस्था। अब सवाल आता है कि तीनों में से किसके पास वीटो पावर है ना, तो वीटो पावर इसी के पास है भाई। ये क्या करता है? इसको थोड़ा सा रोकता है करने से,
है ना, ये देखो थोड़ी आवाज़ आ रही है बीच में, कोई बात नहीं, आप मेरी बात पर ध्यान दो। तो ईगो क्या करता है, इसको ऐसा काम करने से रोकता है, तो जो रोकता है उसी को वीटो कहते हैं। वीटो पावर किसके पास है, ईगो के पास है। सुपर ईगो तो बिल्कुल इस चीज़ को खत्म कर देता है। यह वास्तविकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है, किससे, वास्तविकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है, नेचुरल थ्योरी से, ठीक है। अच्छा, अब परम अहम के बारे में देखो, ये क्या है कि पूरा आदर्शात्मक है ना, पूरा क्या है, आदर्शात्मक है, और गलत सही का निर्णय भी ये ले लेता है। ये आपको इड ईगो और सुपर ईगो समझ में आ गया होगा। ये किसने बताए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के तहत फ्रायड ने बताए है ना, और ये किसके हैं, व्यक्तित्व सिद्धांत, व्यक्तित्व निर्माण के ये तीन तत्व प्रमुख हैं। अब फ्रायड क्या कहता है कि फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां भी बताई थी, है ना। ये सवाल आता है कि फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, कई एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीजीटी में भी कई बार आ गया है। तो उसने मूल प्रवृत्तियां दो बताई हैं, एक तो बताइए जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी बताइए मृत्यु मूल प्रवृत्ति। आप दोनों को याद रखो क्योंकि दोनों ही चीजें अवश्यंभावी है, इंसान का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है। केवल इतना याद रखना है कि मूल प्रवृत्ति क्या है इंसान की, कि इंसान जन्म लेता है, बाकी सब तो सीखता है। मृत्यु क्या है, होना अवश्यंभावी है, बाकी उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो मूल प्रवृत्तियां केवल दो ही बताई हैं, जीवन और मृत्यु, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फ्रायड क्या कहता है कि व्यक्तित्व विकास के लिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार कहता है कि व्यक्तित्व विकास के लिए जीवन की शुरुआत है, शुरुआती वर्ष हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं। वैसे भी अपन देखते हैं कि अपन छोटे से बच्चे को ही ट्रीट करना शुरू करते हैं, है ना, तो जैसा बनाना चाहते हैं उसको वैसा ट्रीट करते हैं। कोई ऐसा होता है जो अपने बच्चों को बहुत डांटता टपटता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, कोई मध्यम मार्ग को अपनाता है। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत या फ्रायड भी यही कहता है कि शुरू की जो स्थिति है, बच्चों की जो प्रारंभिक अवस्था है, वही बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको क्या कहता है फ्रायड, मनोलैंगिक विकास। इसको क्या कहता है, मनोलैंगिक विकास। फ्रायड ने इसको नाम दिया है मनोलैंगिक विकास। तो मनोलैंगिक विकास की अवस्था किसने बताई है, सिगमंड फ्रायड ने बताई है। वो कहता है भाई इसकी पांच अवस्थाएं होती हैं। कितनी बताता है, पांच अवस्थाएं बताता है। तो पहली तो ये देखो, मैं यहां एक एक अवस्था लिखूंगा और मिटाता जाऊंगा, है ना, पहली अलग अलग आप देखते रहना। पहली अवस्था बताता है ये मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था, मौखिक अवस्था का क्या मतलब है, देखो जब बच्चा छोटा होता है तो बिल्कुल नहीं बोलता है, धीरे धीरे वो बोलने लगता है। तो प्रारंभिक अवस्था है, वो केवल सारा काम उसका मौखिक गतिविधि से ही चलता है। तो प्रारंभिक अवस्था है मौखिक अवस्था, है ना। ये आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए जरूरी होती है, मुंह और होठों से चलती है। तो 1 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था है वो मौखिक अवस्था बताई है। मैं आपको बता रहा हूं मनोलैंगिक विकास की पांच अवस्थाएं। पहली अवस्था है मौखिक अवस्था, जो कि 1 से 7 वर्ष तक मानी गई है ना। इसमें आनंद और सुख की प्राप्ति केवल मुख से या होठों से होती है। बच्चा होता है, ठीक है ना, अपनी माँ के स्तन चूसता है, ठीक, दूध दलिया खाता है, ठीक, या दूध पीता है शीशी से, कोई बात होती है तो मुंह से बताता है। इस प्रकार मनोलैंगिक विकास में प्रथम अवस्था हो गई आपकी मौखिक अवस्था। दूसरी अवस्था इसने बताई है, किसने, सिगमंड फ्रायड ने, गुदा अवस्था। कौन सी अवस्था, गुदा अवस्था। यह होती है 1 से 2 वर्ष तक की। क्या बताइए इसने, गुदा अवस्था। अब इसमें सिगमंड फ्रायड क्या कहता है कि इसमें आनंद का जो मुख्य स्रोत है वो ये क्या कहता है कि इसमें जो आनंद आता है वो उत्सर्जन या मलमूत्र त्यागने से ही आता है ना। ये मनोलैंगिक है, देखो मन और लिंग को इसने जोड़ा हुआ है। तो प्रथम अवस्था तो थी मौखिक अवस्था, यानी मुंह से ही सब आनंद लेता है वो। दूसरी अवस्था है गुदा अवस्था, तो यानी कि वो गुदा से सारा आनंद ले रहा है, यानी कि उत्सर्जन कर रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, तो उसमें उसको आनंद आता है। ये 1 से 2 वर्ष की स्थिति है। आपने देखा होगा जो बच्चा है बार बार जो है बाथरूम जाता है, बार बार पोटी जाता है, तो उसको आनंद उसमें आता है ना। तीसरी जो अवस्था बताइए वो उसने बताइए लैंगिक अवस्था। तीसरी अवस्था बताइए उसने लैंगिक अवस्था। यह सिगमंड फ्रायड बता रहा है अपने को, ठीक है ना। यह बता रहा है 2 से 5 वर्ष, 2 से 5 वर्ष लैंगिक अवस्था, 2 से 5 वर्ष की अवस्था बताइए। इसमें क्या होता है, जो लिंग अव्यय यानी इंद्रियां हैं, सुख की जो प्राप्ति होती है ना वो इंद्रियों के थ्रू ही होती है। तो वो बता रहा है कि 2 से 5 वर्ष की अवस्था इसके लिए होती है और इसको उसने लैंगिक अवस्था नाम दिया है। अच्छा, इसमें उसने एक चीज और बताई है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं ओडिपस और इलेक्ट्रा।
इसने दो चीजें बताई हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ये जो विकास होता है ना, ये भी लैंगिक अवस्था में ही होता है, 2 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो तीसरी अवस्था हो गई लैंगिक अवस्था, 2 से 5 वर्ष, ठीक है ना। इसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा जो दो प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, इनका उदय लैंगिक अवस्था में ही होता है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब इसका समय आएगा अगले वीडियोज में, आप लगातार वीडियो देखते रहो, ठीक है। अब अपनी हो गई 3 अवस्थाएं। चौथी अवस्था है सुषुप्त अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है? सुषुप्त अवस्था, या इसको गुप्त अवस्था भी कहते हैं। ये 5 से 12 वर्ष तक की होती है। 5 से 12 वर्ष तक जो बताई गई है वो है सुषुप्त या गुप्त अवस्था। इसमें क्या होता है कि जितनी भी लैंगिक गतिविधियां हैं वो सब दमित हो जाती हैं। सुषुप्त मतलब सोया हुआ या दमन करना, है ना। यहां दमन करने से ही मतलब है, क्योंकि सभी लैंगिक गतिविधियों का दमन बताता है मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था में सिगमंड फ्रायड, ठीक है। सुषुप्त अवस्था 5 से 12 अवस्था में, और सारी लैंगिक गतिविधियां जो है इसमें दमन करने के लिए कहा गया है या ऐसा होता है, यह कौन कहता है? सिगमंड फ्रायड। पांचवी अवस्था है जनन अवस्था। पांचवी अवस्था कौन सी है? जनन अवस्था। ये कब चलती है? जब बालक 12 वर्ष से अधिक हो जाता है, ठीक है ना। जब बालक 12 वर्ष से अधिक हो जाता है तो जनन अवस्था उसकी आ जाती है। इसमें क्या होता है? आनंद का जो अंग होता है वो लैंगिक अंग ही होता है, ठीक है ना। और बच्चा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होगा। लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षित होगी, और लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित होगा। लेकिन 12 वर्ष से अधिक की उम्र के लिए ही ये अवस्था बताई गई है, जिसको कि जनन अवस्था कहता है। यानी कि इसमें लैंगिक सुख है, जो लैंगिक आनंद है वही इसने ठीक बताया है। फ्रायड ने चीजें अपने को बताई हैं। अच्छा, फ्रायड क्या कहता है कि व्यक्तित्व जो है गतिशील भी होता है, इसलिए वो व्यक्तित्व की गतिशीलता को भी स्पष्ट करता है। क्या करता है ये मैं हटा रहा हूं, है ना। फ्रायड ने क्या बताया है कि व्यक्तित्व जो है वो गतिशील होता है, और उसकी गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए उसने 2 संप्रदाय बताए हैं। कौन कौन से? शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा। देखो, व्यक्तित्व शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा में से अपन ऊर्जा हटा दे तो शारीरिक और मानसिकता दोनों को मिलाकर के ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब शारीरिक ऊर्जा है, आप बिल्कुल स्फूर्तिवान चुस्तीवान है तो आपका पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर अब आपसे अगर आप बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तब ये काम आती है मानसिक ऊर्जा। जैसे आपसे कोई बातचीत करने लगेगा, आपका मानसिक स्तर उसको पता लगेगा, आपकी मानसिक ऊर्जा का स्तर उसको पता लगेगा, आपकी वोकैबुलरी के बारे में, आपके विचारों के बारे में उसको समझ में आएगा। तो वो अगर अच्छा है तो आपके बारे में राय बनेगी कि यू आर ए गुड पर्सन, है ना। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी वैसे भी जरूरी है। तो कहता है कि 2 संप्रत्यय हैं जो व्यक्तित्व की गतिशीलता के लिए जरूरी हैं, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा। इसलिए इसने दोनों चीजें बताई हैं, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा यहां मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कमी होती है अपने पास, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अपन देख रहे हैं, जो कि 1927 में अपने को सिगमंड फ्रायड दे गए थे। वो एक यहूदी थे। कौन थे? यहूदी थे। फ्रायड ने एक चीज और बताई है ना, दुश्चिंता। कई बार आपने देखा होगा आपकी भ्रकुटियां तनी रहती हैं, बिना बात ही अपन क्या होता है, टेंशन में आए रहते हैं, है ना। दुश्चिंता इसको क्या कहता है? एंग्जायटी। इसको क्या कहता है जो फ्रायड है? इसको कहता है एंग्जायटी, ANXI, है ना, एंग्जायटी। इसको कहता है एंग्जायटी, आप भी ध्यान रखना इसको, क्योंकि कई बार इंग्लिश में जो होता है उसी को पेपर में वैसे भी लिखा रहता है कि हिंदी में लिखा हुआ विवाद की स्थिति में हिंदी में लिखा हुआ सही नहीं माना जाएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ सही माना जाएगा। तो भाई थोड़ी बहुत तो इंग्लिश अपने को भी आनी चाहिए। मुझे तो ज़्यादा नहीं आती है, पर आप लोग देख लो। तो दुश्चिंता मतलब एंग्जाइटी की जो अवस्था है वो भी सिगमंड फ्रायड ने बताई है। वो कह रहा है कि एंग्जाइटी जो है 3 प्रकार की होती है। एंग्जाइटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ये अपने को बता रहा है फ्रायड। एंग्जाइटी के 3 प्रकार, वो कौन कौन से हैं ये भी अपने को देखना है। एक तो होती है रियल, है ना, वास्तविक चिंता। वास्तव में आपको कोई परेशानी है, आपके सामने कोई चिंता है तो आप वास्तविक चिंता आपको होगी, तो एक तो ये प्रकार की होती है, है ना। और एक कैसी होती है? तंत्रिका तापी, है ना, यानी कि शारीरिक रूप से कोई विकार है, तंत्रिका तापी।
आपको बुखार है, आपको सिर दर्द है, आपको पेट दर्द है ना, या इस तरह की चीजें जो न्यूमरोलॉजी से संबंधित हैं, है ना, आपकी नसों में कोई दिक्कत है, खिंचाव है, किसी को पैर में दर्द है, किसी को बाइंड आता है, किसी को क्या समस्या है, किसी के हाथ में दर्द होता है, तंत्रिका तापी, तो वो भी एक चिंता का विषय है, यार मुझे क्या हो गया है, मैं स्वस्थ नहीं हूं, है ना, एक वास्तविक चिंता होती है। किसी का पति बाहर है, किसी के बच्चे बाहर खेल रहे हैं, किसी का कोई बच्चा बीमार है, तो जो बच्चे की समस्या है वो तो तंत्रिका तापी, लेकिन उसके माँ बाप की समस्या है वो वास्तविक चिंता। ठीक, तीसरे प्रकार की चिंता थोड़ी सी अलग है, वो है नैतिक चिंता, है ना, नैतिक चिंता। ये बहुत कम देखी जा रही है आजकल, क्योंकि नैतिक चिंतन तो खत्म हो गया है। तीसरी चिंता है नैतिक चिंता, विचार करने की जरूरत अपने को इसी पे है, मोरल एंजाइटी पे। तो रियल एंजाइटी है ना, न्यूरोटिक एंजाइटी और मोरल एंजाइटी, रियल, न्यूरोटिक और मोरल, तीन प्रकार की एंजाइटी इसने बताई है। वास्तविक चिंता है, तंत्रिका तापी चिंता है और नैतिक चिंता है। यह आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का समाप्त। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कम्युनिटी में डेली एक क्वेश्चन इसमें आपको डाला जा रहा है, उसका आंसर जरूर दें, ताकि जो आपकी क्वेश्चन बैंक है वो रिच होता रहे। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही मैं वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।